बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गर्मी अपने उरूज पे है, तो आज मैं आपके लिए ठंडा ठंडा आलमंड क्रंच कुल्फा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बाज़ार में ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है, लेकिन हम घर में इसे बहुत ही आसानी से बनाएंगे, कम बजट में बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे अहम टिप्स मैं एंड में दूंगी, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। कुल्फा बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध को बॉयल करके स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा थिक करूँगी मैं, साइडों में जो बलाई आएगी उसे स्क्रेच करके हम इसे बीच में दूध के बीच में करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जब तक दूध पक रहा है, ये दूसरी चीज़ें दिखा दूँ। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और 2 जगह चीनी है। 1/2 कप मैं दूध में डालूँगी चीनी और 1/2 कप का हम क्रंच बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। ये आलमंड्स है, कुछ क्रंच में यूज़ करूँगी, कुछ को हम पीस के डालेंगे दूध में। बादाम, पिस्ते और छोटी इलायची को मैं क्रश करके दूध में डालूँगी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये 125 ग्राम यानी आधा पाव खोया है। हम इसमें खोए का यूज़ करेंगे क्योंकि खोए की बात ही अलग होती है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। थोड़ा सा दूध को हम थिक करेंगे। इसमें मैं कोई ब्रेड का यूज़ नहीं करूँगी, हम खोए से कुल्फ़ी बनाएंगे, खोए के कुल्फ़ी की बात ही अलग होती है। जब तक दूध पक रहा है, ये मैंने क्रश कर लिए हैं बादाम, पिस्ते और छोटी इलायची को। कुछ मैंने मोटे मोटे रहने दिए गार्निशिंग के लिए, कुछ का मैंने पाउडर बना लिया है जिसे हम दूध में डालेंगे ताकि मुँह में आए तो बुरे ना लगे। अब ये जो दूध पक रहा था, इसमें से थोड़ा सा दूध हम खोए में डालेंगे ताकि आसानी से हमारा खोया डिसॉल्व हो जाए, बाकी हम ड्राई फ्रूट्स डालकर पकने रख देंगे इसे। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना। ये देखिए, खोया मैंने दूध में, गरम दूध में मिक्स कर लिया। कुछ ज़ाफ़रान डाला है मैंने, अगर हो तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। ये छोटा साशे मैंने ड्राई मिल्क का डाला है, 5-6 टेबल स्पून होंगे। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मज़ेदार रबड़ी हमारा कुल्फा तैयार होगा, जिससे 1/2 कप शुगर भी डाल देंगे। बस इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। अच्छा, ड्राई मिल्क आप शुरू में डाल दिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं भूल गई थी तो मैंने खोए के साथ डाला। बस इसे ड्राई फ्रूट्स खोए वगैरह को पका लेंगे चीनी को, और फिर हम कॉर्नफ्लोर से थिक कर लेंगे। थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था कॉर्नफ्लोर डाल के बस थोड़ा सा पकाएंगे। देखें, बस इतनी कंसिस्टेंसी हो गई, रखने से भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ठंडा करेंगे। ये देखें, हमारा कुल्फा का बैटर ठंडा हो चुका है और इतना थिक हो चुका है। अब इसे जिस भी मोल्ड में आप कुल्फे को जमा रहे हैं तो वो ले लें। इस तरह की डिश ले रही हूँ और ये मेरे पास कुल्फी का मोल्ड है, ये 6 का सेट है मेरे पास, तो इसके 1 को मैं जमाऊँगी, जमा के आपको दिखाऊँगी कुल्फी कितनी अच्छी बनती है। ये देखें, सब मैंने बॉक्स में डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़ा सा बचा लिया कुल्फी के लिए और उसको कवर कर दिया है। और ये कुल्फी में भी बाकी डाल दिया है जो मैंने बचाया था बैटर, इसमें स्टिक लगा देंगे और दोनों को फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे 1 दिन के लिए। एयर टाइट कंटेनर लिया है मैंने, एयर टाइट बॉक्स ही लिएगा। आलमंड क्रंच की तैयारी करते हैं। आलमंड क्रंच के लिए कुछ आलमंड्स ले लें अपनी पसंद से, कम या ज़्यादा, स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करके और इसे निकाल लें किसी प्लेट में। आप चाहें तो सादा क्रंच भी बना सकते हैं, लेकिन आलमंड क्रंच बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया। आप 1/2 कप शुगर जो मैंने बताई थी वो डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। तमाम चीनी को डिज़ोल्व करना है हमें। ये देखें किस तरह डिज़ोल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, मेल्ट होने के बाद वरना कड़वाहट आ जाएगी। अब मैंने क्रश कर लिए थे जो रोस्ट किए थे और प्लेट को भी ग्रीस कर लिया था इसी दौरान। अब देखें, तमाम शुगर डिज़ोल्व हो गई है, तो इसमें फौरन ही क्रश्ड आलमंड्स डाल देंगे। इसको तेज़ी से मिक्स करेंगे और फौरन ही ग्रीस लगी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे जमाने छोड़ देंगे। फ़ैन के नीचे छोड़ दिएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको क्रश करके इसका क्रंच बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है आलमंड क्रंच, जरूर देखिएगा। इसकी आवाज़ सुनिए आपने, कितना अच्छा बनाया है। साइडों को लूज़ कर लेंगे नाइफ से, बहुत ही आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमने प्लेट को ग्रीस किया था। बस इसे ज़िपलॉक बैग में डाल के क्रश कर लें, मोटा या पतला अपने हिसाब से, जैसा क्रंच आपको पसंद है वैसे ही इसको क्रश कर लें इस तरह। अब इसे ज़िपलॉक बैग में डालकर और फ्रीज कर लें जब तक आप चाहें, ख़राब नहीं होगा। ये बहुत सारी स्वीट डिशेस में यूज़ होता है, तमाम आइसक्रीम्स में यूज़ होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है जिस चीज़ में भी यूज़ होता है। ये देखें, ज़बरदस्त सा तैयार है। कितना मोटा चीनी का दाना था हमारा, मुझे डबल टाइम लग गया था। चले जी, नेक्स्ट डे है ये और हमारी कुल्फी जम चुकी है। मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है, इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इसकी साइडें नाइफ से लूज़ करके। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फी तैयार है, खोया कुल्फी, मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी। इस पर ड्राई फ्रूट्स
जो मैंने क्रश करके रखा था और क्रंच बना के रखा था उससे गार्निश करेंगे। जितना मर्ज़ी चाहे आप डालें, कम या ज़्यादा, बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी किसे पसंद नहीं होती। इसे काट के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट होती है। घर में ये बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़बरदस्त। आजकल ब्रेड का ट्रेंड चला हुआ है, तो जिसको देखो ब्रेड कुल्फ़ा बना रहा है। लेकिन सच पूछे मुझे तो ब्रेड की कुल्फ़ी या कुल्फ़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बनाया था ना, मेरी फैमिली में किसी को पसंद आया, क्योंकि खोए की बात अलग होती है। हाँ, ब्रेड का बहुत ज़बरदस्त सा एक डिज़र्ट बनता है जो मैं कमिंग डेज में बनाऊँगी, उसे मिस मत करिएगा। कोकोनट ब्रेड डिज़र्ट, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन कुल्फे में खोए का मज़ा अलग होता है। इसलिए साइडों को लूज़ करेंगे कुल्फे की और इसे प्लेट पे फ्लिप कर देंगे। अब अपनी पसंद से गार्निश करें क्रंच से और ड्राई फ्रूट से, और बहुत ही डिलीशियस कुल्फा आपका घर में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा कम बजट में। तो इस गर्मी में ठंडा ठंडा कुल्फा ज़रूर बनाएं। देखें कितना सॉफ्ट बना है। मैंने कोई इसमें बटर पेपर का यूज़ नहीं किया। बटर पेपर कोई लगा देता है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि बटर पेपर लगाने के बाद इसका फ्रीज होने का प्रोसेस कितना स्लो हो जाता है, कि कम से कम आपको 3 दिन लगेंगे सही से, फिर भी आपका निकालते ही मेल्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी मेल्ट होता है। ये देखिए बगैर बटर पेपर के कितना सॉफ्ट कुल्फा है और बहुत ही टेस्टी है बगैर बटर पेपर के, एयर टाइट बॉक्स में। अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है जिसका कवर नहीं है, तो आप फिर उसे क्लिंग रैप या फॉइल पेपर से कवर कर दें, वरना एयर टाइट बॉक्स है तो आप करें। एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप बटर पेपर ना यूज़ करें। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुल्फे बनाती रहती हूँ। हमारे घर में घर बाज़ार का कुल्फा नहीं आता है, घर में ही मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।